बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, इस धरती पर आकर, इस मध्य प्रदेश की धरती पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। और जो ये कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, दादा सम्मान श्री चंद्रभान दा जी की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। मैं नाम तो नहीं ले सकती सभी लोगों का, फिर भी जितने कीर्तन प्रेमी बंधु हैं सभी लोगों को प्रणाम है मेरी ओर से। आदरणीय दादा हमारे सम्मानित श्री लालचंद दीक्षित दादाजी, जो कि कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, दादाजी को बारंबार नमन है, और जिनके माध्यम से आप लोग संपूर्ण रात जवाबी सुन रहे थे, आदरणीय हमारे सम्मानी श्री शंभु हलचल दादाजी और बड़ी बहन सम्मानी, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, आदरणीय बड़ी दीदी सम्मानी श्री क्रांति माला जी, दोनों कलाकारों को सत्सत मेरा प्रणाम है और सभी कलाकारों को मेरा प्रणाम है। आइए, बड़ा ही सौभाग्य है आज, और ये किस्मत की बात है जो हम यहाँ पर आज खड़े हैं, और हमारे हम खड़े हैं किसकी बदौलत है, हमारे सम्मान श्री के शर्मा दादाजी आपकी बदौलत खड़े हैं यहाँ पर, आपको भी नमन है। और हमारे सम्मानी बहुत ही अच्छे आयोजक हमारे दादा सम्मान श्री देवेंद्र तिवारी जी के चरणों में भी प्रणाम है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए, मेरी ओर से एक छोटा सा गीत है। हालो चखालो, भक्तों की बिगड़ी सदा बनाई है आपने, भटके हुए को ना दिखाई है आपने, तो है सहारा तुम कभी दरअसल दिखा दोगे, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे, तुम्ही ने दवा दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे, क्योंकि कहते हैं कि बस चारों तरफ यही असर होना चाहिए, बस चारों तरफ यही असर होना चाहिए जो आज यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ये चारों तरफ यही असर होना चाहिए, और राही का एक सफर होना चाहिए, कोई छोटा हो या बड़ा उसे देखने के लिए एक नजर होनी चाहिए। आइए, मेरी तरफ से गीत बजा। कौन सा बेटे, कौन सा? कि मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो, बताओ तुमको कैसे, मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो, बताओ तुमको कैसे, बुलाऊ तुमको कैसे, चाहे आप हमारे दादाजी को ही समझ लीजिए, हमारे सम्मानित श्री चंद्रभान दादाजी को ही समझ लीजिए, कि चले गए हो दूर इतने, बुलाऊ तुमको कैसे। लेकिन अब कहना है क्या कि फिल्मी वाले लोग कह रहे हैं क्या क्या,
कि जिसको हमने अपना समझा वो निकला बेगाना, जिसको हमने अपना समझा वो निकला बेगाना। और शीशे जैसा टूट गया है मेरा दिल दीवाना, कभी प्यार ना करेंगे एतबार ना करेंगे, कभी प्यार ना करेंगे एतबार ना करेंगे। कि जिसको हमने अपना समझा कभी प्यार ना करेंगे जी, चाहे जितना हो धन लेकिन घट जाएगा, और ईश्वर के नमन करने से हर गम छट जाएगा। नमन हो आप जिसे महारथियों का, नमन हो आप जिसे महारथियों का, हमारे दादा सम्मान श्री देवेंद्र तिवारी दादाजी और हमारी बड़ी बहन सम्मान श्री क्रांति वाला दीदी जी, सम्मानी श्री दादा हमारे बैठे हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। मैंने सुना है अपने गाँव में आपको बंजटी ग्राम में, लेकिन कुछ पर्चा नहीं था, आराम से कुर्सी में बैठ के कार्यक्रम सुना है, पूरा कार्यक्रम सुना है आपका, लेकिन आज ये अवसर मिला है इसके लिए बहुत धन्यवाद है। आदरणीय हमारे सम्मान श्री देवेंद्र दादा की तरफ से ये एक से एक पद मुद्राएँ हमारे लिए, और हमारी बड़ी बहन सम्मान श्री क्रांति माला दीदी जी की तरफ से भी एक से एक पत्राएं आशीर्वाद प्रदान हुई हैं। कोड को नमन है और कहना है क्या, चाहे जितना हो धन लेकिन घट जाएगा, और ईश्वर के नमन करने से हर गम छट जाएगा। नमन हो आप जैसे महारथियों का, नमन हो आप जैसे महारथियों का, आप लोगों के आशीर्वाद से ये जीवन धीरे धीरे कट जाएगा। कहना है मेरा गीत इस जनमानस से, कहना है मेरा गीत सुनिएगा आप सभी लोग, कि पावन पीत पुनीत नहीं हो, कि पावन पीत पुनीत नहीं पाई है जिसकी प्रीता, श्रीगा और बस जग के कल्याण के खातिर छोड़ के निज परिणीता, परिणीता माने पत्नी। और जैसे मेरी लाइन कह रही है कि पावन पीत पुनीत नहीं पाई है जिसकी पीता, और बस जग के कल्याण के खातिर छोड़ के निज परिणीता। तो कहना है या? जो जग के लिए अपनी परिणीता को छोड़ के चले गए, तो कहना पड़ा कि जो दूर हो गए हैं वो मशहूर हो गए, कर दिया, और आज भी हमारे देश में उनकी पूजा होती है। जैसे कि महावीर स्वामी को जग ने सबने शीश झुकाया, क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया पर जैन धर्म अपनाया।
तपस्या सारे जग को सच्चा ज्ञान कराया। तो कहना पड़ा क्या कि अपने उपदेशों से जिन्होंने अपने उपदेशों से जिन्होंने सबका दिल है जीता। अपने उपदेशों से जिन्होंने सबका दिल है जीता। तो बस जग के कल्याण के खातिर छोड़ के निज परिणीता। तो जो दूर हो गए हैं कहना है कि मोदी को वो पत्नी यशोदा जैसे कि मोदी को पत्नी यशोदा बैन भी रोक सकी ना। मोदी को वो पत्नी यशोदा बैन भी रोक सकी ना। और पत्नी त्याग कर चमक रहा है भारत का वो नगीना। मुश्किल हो गया जीना। मोदी के कारण दुश्मन जो दो नंबर का धंधा था उन लोगों का तो जीना हराम हो गया। इसीलिए कहना है कि मोदी के कारण दुश्मन का मुश्किल हो गया जीना। और देख के दुनिया कांप रही है 56 इंची सीना। आज मोदी के विचारों में है भगवत गीता। आज मोदी के विचारों में है भगवत गीता। तो बस जग के कल्याण के खातिर छोड़ के निज परिणीता। तो जो दूर